हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में स्टूडेंट हम 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके टोटल एक्सरसाइज जो है हमारी एनसीईआरटी बुक में, उसमें हमारे पास टोटल स्टूडेंट 6 पार्ट है जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो उसमें से स्टूडेंट हम पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट, इनको हम सोल्व करेंगे। और इनको सोल्व करने के बाद स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 3, 5 एंड 6 जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट है एक बार वो देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या करना है हमने इसमें। तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है स्टूडेंट्स, आर सिमिलर, यानी हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये बताना है कि जो ट्रायंगल्स हमें दे रखी है तीनों पार्ट में, जो पेयर में ट्रायंगल दे रखी है, उनमें से कौन सा जो पेयर है वो सिमिलर है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जो हमने तीन सिमिलरिटी के क्राइटेरिया जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस जो किए थे, उनमें से कौन सा क्राइटेरिया इनको सिमिलर बनाता है ये हमें मेंशन करना है। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, और जो सिम्बॉलिक फॉर्म है ट्रायंगल्स की वो हमने स्टूडेंट लिखनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सिमिलरिटी के जो हमने टोटल क्राइटेरिया स्टूडेंट हमने स्टडी किए हैं उनमें है, सबसे पहला था स्टूडेंट एंगल सिमिलरिटी। तो दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था स्टूडेंट हमारे पास साइड। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया था साइड एंगल। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं सिमिलरिटी में, तो जहाँ एंगल साइन यूज हो रहा है, जहाँ हमने एंगल लिखा हुआ है, एंगल का मतलब है स्टूडेंट एंगल इक्वल होने चाहिए। और जहाँ हमने एस यूज किए हैं, साइड यूज किया है, वहाँ पर मतलब है स्टूडेंट साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, या फिर साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो पहले में स्टूडेंट क्या है, इसमें तीनों एंगल एक ट्रायंगल के अगर दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाते थे तो हम कहते थे कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। इसमें क्या होता था स्टूडेंट, एक ट्रायंगल की तीनों जो साइड है, दूसरी जो ट्रायंगल हमें गिवन है, अगर उसकी तीनों साइड के प्रोपोर्शनल में आ जाती है या सेम रेशियो में आ जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती थी हमारी वो साइड। और इसमें क्या था स्टूडेंट, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, और दूसरी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, एंगल तो हो जाए इक्वल और साइड का रेशियो क्या हो जाए सेम, तो हम कहते हैं स्टूडेंट वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी कौन सी क्राइटेरिया हो जाता है, साइड एंगल। तो देखिए स्टूडेंट, इन तीनों में से ही हमने पहले तो चेक करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और फिर बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, और फिर हमने ट्रायंगल्स के नाम लिखने जो आपस में सिमिलर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है। तो अभी हम यहां से देखते हैं स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का जो ए एंगल है 60 डिग्री का है, और ऐसे इस ट्रायंगल में ए एंगल जो है वो भी 60 डिग्री का है। तो स्टूडेंट मैं यहां पर इसको सोल्व कर रहा हूं, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और ये दोनों एंगल स्टूडेंट कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। इसी तरीके से एंगल बी जो है स्टूडेंट वो यहाँ पर 80 डिग्री का है, और Q जो है इस ट्रायंगल के अंदर दूसरी के अंदर वो भी 80 डिग्री का है। तो एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री, और जो लास्ट एंगल है स्टूडेंट हमारे पास एंगल C, थर्ड जो एंगल है C इज इक्वल टू एंगल R, और दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पे कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के। तो स्टूडेंट बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के सिमिलर है, और कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे एंगल, या फिर आप दो एंगल को भी इक्वल दिखा देते हो तो आप उस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, एंगल। तो जरूरी नहीं है कि आप तीनों एंगल ही इक्वल दिखाएं, आप दो एंगल भी दिखा सकते हैं, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ट्रायंगल जो है ये दोनों सिमिलर हो गई। तो और हमें आंसर देना था कि कौन से इस क्राइटेरिया सिमिलरिटी का हमने यूज किया है, तो हमने कौन सा यूज किया है स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल। अब हमने स्टूडेंट नाम लिखना है ट्रायंगल का, कि ये जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसका और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो नाम है उसमें जो हमारे पास वर्टेक्स है, और जिस वर्टेक्स पे जो एंगल बना हुआ है,
और जो आपस में इक्वल है ट्रायंगल में, तो उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो जब हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो इस ए की और पी की पोजीशन उस नेम में सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से बी और इस क्यू की पोजीशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि बी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू के, और सी की पोजीशन आर के सेम होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट मैंने जैसे ये लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी और मैंने लिख दिया सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, तो ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट, जो आपने अभी हम बात कर रहे थे कि पॉइंट जो होता है, जो हमने नाम लिखा हुआ उस जो वर्टेक्स का, उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर ए जो एंगल है स्टूडेंट एक्चुअल में पी के इक्वल है, तो ए इस ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर क्यू है, जबकि क्यू स्टूडेंट 80 डिग्री का है और पी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमने ये जो नाम लिखा है ये गलत लिखा है। तो ट्रायंगल ए बी सी कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर लिखी जाएगी स्टूडेंट, तो ए जो एंगल के इक्वल है किसके, पी के, उसकी पोजीशन स्टूडेंट जो ए की पोजीशन है इस ट्रायंगल में वही पी की पोजीशन रहेगी। ऐसे ही इस ट्रायंगल में जो बी की पोजीशन है और बी किसके इक्वल है स्टूडेंट, क्यू के, तो वही दूसरी ट्रायंगल में क्यू की पोजीशन हो जाएगी, यानी बी सेकंड पोजीशन पे तो क्यू भी सेकंड पोजीशन पे। ऐसे ही सी एंगल आर के इक्वल था तो आर और सी की जो पोजीशन है ट्रायंगल का, जो हम नाम लिख रहे हैं उसमें सेम रहेगी, तो सी इसमें थर्ड पोजीशन पे है तो आर यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इनके नेम हो गए, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट इधर हम मेंशन कर देंगे कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, या फिर आप एंगल एंगल भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट देखिए स्टूडेंट इसका, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट तो इसमें भी आपको तीनों साइड दे रखी है, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ एंगल नहीं गिवन है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंगल नहीं है हमारे पास। साइड दे रखी है, तीनों साइड हमें गिवन है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके चेक करेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है इसमें साइड साइड साइड, तो साइड का रेशो जो है वो सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से अरेंज करेंगे इसमें, जैसे कि स्टूडेंट आपने ऐसे अरेंज करना है कि पॉसिबल आपने इस तरीके से करना है कि जो रेशो है वो सेम आए, यानी ये बनाने की आपने कोशिश करनी है कम से कम टाइम में। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये जो साइड है इसका रेशो हम इसके साथ लेते हैं, यानी ए बी का रेशो क्यू आर के साथ हम लेते हैं, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट ए बी इज टू और क्यू आर स्टूडेंट आ गया 4, तो ये रेशो आ गया स्टूडेंट 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट अगर बी सी जो है उसका रेशो हम ले लेते हैं किसके साथ, इस साइड के साथ, इसका रेशो इस साइड के साथ पी आर के साथ इज इक्वल टू, तो बी सी है 2.5 और पी आर है हमारे पास 5, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25/50 डेसिमल हटा दिया और ये रेशो भी कितना आ जाएगा 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट जो ए सी है उसका हम रेशो लेते हैं पी क्यू के साथ, तो इट आल्सो कम्स आउट 3/6 एंड इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट देखिए जो रेशो है वो जो आपने इस ट्रेंगल की एक एक साइड करके इस ट्रेंगल की एक एक साइड के साथ जो रेशो लिया है 1/2 1/2 1/2, तो तीनों सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने रेशो जो है वो सेम बनाने की कोशिश करनी है। वैसे आप रेशो इसका इसके साथ भी ले सकते थे, लेकिन जब इसका रेशो आप इसके साथ लेंगे तो देखिए ये आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू, तो ये आएगा 2/6 यानी 1/3, और जब इसका रेशो आप इसके साथ लेते हो तो ये आ जाएगा ए सी बाई पी आर 3/5। तो यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो स्टूडेंट हमने कोशिश करनी है कि इस तरीके से रेशो लेना है कि रेशो जो है तीनों साइड का, एक ट्रायंगल की तीनों साइड का दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल बन जाए। और अगर ऐसा बन जाता है स्टूडेंट तो हम कहेंगे ट्रायंगल जो है वो फर्स्ट वाले ट्रायंगल सेकंड वाले के क्या होगी, सिमिलर। और अगर आपने कोशिश कर ली और ऐसे रेशो सेम नहीं बन रहा है, आप अलग अलग साइड लेके अलग अलग साइड का अलग अलग साइड के साथ रेशो लीजिए, और अगर नहीं बनता है आपका, किसी से भी नहीं बनता है, तो हम कहेंगे ये जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर नहीं है। तो यहाँ ऐसे स्टूडेंट जब हमने रेशो लिया तो ये इक्वल बन चुका है, तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या है स्टूडेंट, सिमिलर है। अब इसके बाद स्टूडेंट सिमिलरिटी का जो हमने क्राइटेरिया यूज करेंगे यहाँ पर वो कौन सा यूज हुआ है, एस
एस एस यानी साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ यूज किया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, यानी इस तरीके से हमने लिखना है कि जो ट्रायंगल है उसका नेम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आपके सामने इस तरह की कंडीशन आती है तो आप क्या करें, आप पहले स्टूडेंट इस ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए, किसी भी ऑर्डर में इनके वर्टेक्स ले लीजिए आप, और दूसरी ट्रायंगल का भी नाम लिख दीजिए PQR। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये सिमिलर है और आपने इनको रीअरेंज करना है, इस रेशो के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है, यानी इन पॉइंटों को 1 2 3 जो आपने नाम रखे हुए हैं इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये रेशो बन जाए। तो ABC मैंने इधर ही फिक्स कर दिया है, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। तो देखिए AB के बाई में क्या लिया हमने, QR। तो AB हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट टू पार्ट में है और बाई में आना चाहिए QR, जबकि इधर जो फर्स्ट टू है वो बना रहे हैं PQ। तो AB के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस P को यहाँ से हटा के मैं इधर कर देता हूँ, तो इस तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास AB के अपॉन में QR आ जाएगा। अब दूसरा रेशो भी चेक करना है स्टूडेंट हमें, BC के बाई में क्या आना चाहिए स्टूडेंट, PR आना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे BC के बाई में RP कह दीजिए या फिर PR कह दीजिए स्टूडेंट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट में आप AB को BAB कह सकते हो या BA को आप AB भी कह सकते हो, ऐसे RP को PR भी कह सकते हो और PR को ये। तो BC के बारे में स्टूडेंट RP या PR आ जाएगा। अब थर्ड रेशो भी चेक करते हैं स्टूडेंट, तो थर्ड रेशो जो है हमारा AC/PQ। तो AC देखिए स्टूडेंट कैसे बनता है, बीच का जो पॉइंट अगर हम उसको ड्रॉप कर दे तो हमारे पास बनता है AC। तो इधर से अगर हम बीच का R पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है QP, या फिर आप PQ भी कह सकते हो। तो AC के बाई में PQ है यहाँ पर। तो जो आपने नेम लिखा है स्टूडेंट, जिसको आपने रीअरेंज कर दिया, वो आपका करेक्ट है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ट्रेंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रेंगल QRP के, और स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड यानी साइड साइड सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गई स्टूडेंट, सिमिलर हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, अब लास्ट जो पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर यानी फोर्थ पार्ट, उसको हम देखें स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है। ऐसे ही दो साइड है स्टूडेंट और उनके बीच का एंगल है, तो इसका मतलब स्टूडेंट एक एंगल और दो साइड। तो यहाँ से हम अगर नोटिस करें तो थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारी यानी थर्ड जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, वो भी साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया है यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लागू हो सकती है स्टूडेंट, यानी यही हम इसमें लगा के देखेंगे। और कैसे लगाएंगे देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसका रेशो यानी MN का रेशो आप PQ के साथ लेते हो तो हमारे पास आएगा ये 2.5/5, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 25/50, और इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो साइड है AML, इसका जो रेशो है वो हम ले रहे हैं स्टूडेंट इस साइड के साथ QR के साथ, तो ये आएगा 5/10 एंड दिस ऑल्सो कम्स आउट 1/2। तो देखिए स्टूडेंट इस साइड का रेशो इसके साथ और इस साइड का रेशो इसके साथ, यानी इस एंगल को बनाने वाली ये दो जो साइड है, इन दोनों साइड का रेशो इन दोनों साइड के साथ हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। तो जब रेशो सेम आता है तो, और बीच का एंगल जो है स्टूडेंट, जो एंगल एम है वो एंगल किसके इक्वल हो गया, क्यू के। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये दोनों जो ट्रेंगल है वो साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से या सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गए स्टूडेंट, सिमिलर हो गई। अब हमें स्टूडेंट इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे लिखना है साइड एंगल साइड में। तो बीच में देखिए स्टूडेंट जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पर यूज करेंगे अभी हम साइड एंगल साइड, तो बीच में एंगल आ रहा है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, जब आप नाम लिखेंगे तो ट्रेंगल के अंदर हमारे पास तीन वर्टेक्स होते हैं, तो बीच वाली जो पोजिशन है स्टूडेंट वो इस प्रॉपर्टी में एंगल के लिए फिक्स होती है। तो आप बीच में वो वर्टेक्स लिखे
उस पॉइंट का नाम लिख के जहां पर एंगल बना हुआ है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए इस ट्रायंगल से शुरुआत कर रहा हूं, तो इसमें एंगल कहां बना हुआ है, एम पर। तो स्टूडेंट एम जो पॉइंट है उसको आप मिडल में डाल दें, क्योंकि ये एंगल की पोजिशन है। और इसमें जो एंगल बना हुआ है स्टूडेंट वो क्यू पर है, तो क्यू की और एम की पोजिशन क्या हो गई स्टूडेंट, सेम हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो रेशो है एम एन, इसका रेशो हमने किसके साथ लिया था, पी क्यू के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो एन पॉइंट हमारे पास वो हम इधर भी डाल सकते हैं और इधर भी डाल सकते हैं। अगर आप एन इधर डालते हो तो एम एन का रेशो पी क्यू के साथ है, तो आपने जो पी पॉइंट है, क्योंकि क्यू आप डाल चुके हो, पी जो है फिर आप इधर ही डालेंगे। और अगर आप एन को इधर डालते हो तो पी को भी आप किधर डाल देंगे, शुरुआत में डाल देंगे। तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट, मैंने इसको यहाँ डाल दिया और इस पी को भी फिर आप पीछे डाल दीजिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, इस ट्रेंगल के हमने दो पॉइंट लिख दिए हैं एम एन, तो तीसरा पॉइंट क्या बच जाता है एल, और इधर से तीसरा पॉइंट क्या बच जाता है स्टूडेंट क्यू पी, क्यू पी, और तीसरा बच गया आर। तो ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट इस तरीके से क्या हो गई, सिमिलर हो गई। और कौन सी प्रॉपर्टी से, यानी कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। अब स्टूडेंट एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए एल एम जो है वो हमारे पास रेशो में नहीं है, सॉरी है, तो एल एम के बाई में स्टूडेंट पहले दो पॉइंट लिए हमने, तो बाई में क्यू आर होना चाहिए, तो ये क्यू आर ही है, क्यू आर इधर से पड़े, एम एल इधर से पड़े और क्यू आर इधर से। और दूसरा है एम एन बाई में पी क्यू, तो एम एन ये बनता है और ये पी क्यू बन गया, और बीच में जो एंगल है एम इज इक्वल टू क्यू, ये इक्वल हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया, ट्रायंगल का नाम लिख दिया। अब स्टूडेंट मान लीजिए क्या होता है कि आपको आंसर चेक करेंगे तो हो सकता है आपको नाम जो है अलग तरीके की फॉर्म में लिखा हुआ हो, लेकिन स्टूडेंट नाम जो है आप चेंज कर सकते हो इसको, लेकिन ऑर्डर जो है यही रहना चाहिए। यानी अगर आप नाम एन से शुरू कर रहे हो तो नाम आपका किस तरीके से चलेगा, एन एल एम, और उधर से भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसी तरीके से, एन को आपने पहले लिखा है फिर एल को लिखा है फिर एम को, तो उधर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट पी एस एस पी आर क्यू। आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के जो नेम लिखे हैं उनकी बजाय आप ये नेम भी लिख सकते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, जो रेशो है वो सेम होना चाहिए, एम एन बीच में एक पॉइंट छोड़ते हैं एल, तो एम एन बनता है, बाई में क्या होना चाहिए पी क्यू, तो देखिए बीच में आर छोड़ेंगे तो पी क्यू या क्यू पी ही बन जाएगा। ऐसे ही एम एल जो है, एम एल के बाई में क्या होना चाहिए क्यू आर, तो लास्ट के दो लिए आपने एल एम तो क्यू आर हो गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट एंगल की जो पोजिशन वो भी सेम होनी चाहिए, एम और क्यू की पोजिशन, एम और क्यू की पोजिशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप जो नाम है किसी भी ट्रायंगल का आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एल से शुरू किया, एन से शुरू किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एम से शुरू करते हैं स्टूडेंट, एम से, तो एम एन और यहाँ क्या आ जाएगा एल, और सिमिलर आ जाएगी स्टूडेंट। ऐसे ही आप इसमें इधर कीजिए, क्यू से शुरू कीजिए, क्यू पी आर, और जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी स्टूडेंट वो सेम वही रहेगी, साइड एंगल साइड। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल के नेम भी बदल सकते हैं, लेकिन नेम बदलते वक्त थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये हमने किया साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ऐसे ही इस फर्स्ट पार्ट में थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स जो पार्ट है स्टूडेंट, इनमें भी इनमें से ही कोई एक प्रॉपर्टी हमने यूज करके मेंशन करना है ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या नहीं है।